बाइक सवार अपराधियों ने 17 वर्षीय किशोर को गोली मार दिया। किशोर के गर्दन में 2 लोग गोली मारी गई, इसमें किशोर की मौत हो गई। घटना कांटी थाना क्षेत्र के कांटी थर्मल गेट के पास की है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वही घटना को अंजाम देने के बाद 3 अपराधी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कांटी थर्मल गेट पर कुछ लोग विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। इसी बीच युवक भी वहां आया। उसके आते ही पीछे से बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे, युवक पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वो गांव में गया था, गांव में से गोली चलाते हुए आया पंप हाउस के पास। ये लड़का आ रहा था उधर से, इसी दौरान गोली चला दिया, उसको मार दिया है। क्या कुछ हो रहा था वहाँ पे, किस चीज के? वो अनशन है जो छाई के लेके NTPC का जो डस्ट गिरता है ना, उसके के लिए अनशन पर बैठा हुआ है आज 7-8 दिन से आदमी। वो इसराइल मंसूरी ने पहले से धमकी दे रहा है लोग को, जो यहाँ पे गोली बंदूक चलेगा वो मरवाएगा। कितना आदमी था टोटल जो फायरिंग कर? वो टोटल 4 आदमी था, 4 आदमी पकड़ा गया हुआ है। कैसे आया था, मतलब जो फायरिंग करा था? वो बाइक से आया था। कितना राउंड फायरिंग किया वो लोग? कम से कम 20 राउंड फायरिंग किया है लगातार। और किसी को भी कुछ लगा है? नहीं, वो पीछे जैसे चला रहा था ना तो हम लोग पीछे छिप जा रहे थे, सूत रहा रहे थे, लेकिन हल्ला कर ही रहे थे पीछे। 2 मोटरसाइकिल से अपराधी लोग आए थे और किसी को खोज रहे थे। कोई पहले से ही लोग अपराधी जो गोली मार करके 2 गोली मारे हैं, जो गर्दन के ऊपर लगा है। हॉस्पिटल में राजा सहनी का बेटा, राजा सहनी जो है उसकी मृत्यु हो गई है। भाग रहे अपराधियों का पुलिस और ग्रामीण के द्वारा सहयोग करके पकड़ा गया है। वो दोनों अपराधी जो पकड़े गए हैं, एक का नाम उज्ज्वल उर्फ उजाले है और दूसरा का नाम प्रभात उर्फ छोटू है। उजाले जो है वो मधुबन गांव का रहने, स्थानीय कांटी का ही मधुबन गांव का रहने वाला है, और प्रभात उर्फ छोटू जो है वो कपरपुरा गांव का रहने वाला है। दोनों अपराधी हैं, दोनों 26 लाख लूट के कांड में पहले भी जेल जा चुके हैं। इसके बाद करबाइन उजाले के घर से मिला था, उस केस में भी अभी जमानत पर ये दोनों आदमी हैं। और तीसरा भागने वाला एक है जो इम्पोर्टेंट आदमी था, उसका नाम सोनू, अयापुर का रहने वाला है। तो सोनू है, लेकिन हम लोगों को संभावना है कि ये नाम झूठ बोल रहा है। उसका नाम संभवतः दूसरा है। अभी तक घटना का कारण जब पूछताछ चलेगी इसके बाद ही हम लोग स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। धरना की बात सामने आ रही है, छाई को लेकर धरना तो 5-7 दिन से चल रहा, 5-4 दिन से चल रहा है। वो तो छाई अलग इशू है, लेकिन इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है इसका पूछताछ, अपराधी जो पकड़े गए हैं सजीव हैं जिंदा हैं, तो इन लोगों से पूछताछ के बाद ही हम लोग कुछ क्लियर कर पाएंगे। नफीसा हज व उमरा टूरिस्ट, गुज़िश्ता 13 वर्षों से आज़मीन हज व उमरा खिदमत में सरगर्म, अभी लेकर आया है आप लोगों के लिए खास ऑफर। ग्रुप डिपार्चर 5-20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 10 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,30,000 रूपए 20 दिन। स्पेशल रमजान ऑफर 6 मार्च से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 23 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,60,000 रूपए 35 दिनों के लिए। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, होटल, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमसम, लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, पैन कार्ड। एड्रेस बाजार समिति सिवधारा, दरभंगा 846004। हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530 9939759786।